नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्यपद स्वामी कैलाशनंद गिरिजी महाराज का चंदौसी में धर्म सभा में सम्मिलित होने जाते हुए भाजपा नेता नरेश यादव के कैंप कार्यालय सम्राट बैंकेट हॉल हाथीपुर में धर्म प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और भक्तों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जयकारे लगाए। इस अवसर पर महाराज जी कुछ देर के लिए मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव नहीं महोत्सव है। धन्य है अयोध्या जो सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर है और जिसका प्रभु राम ने भी प्रशंसा किया है। संत जी बोले कि सभी संतों के आराध्य भगवान शिव हैं, परंतु भगवान शिव के आराध्य श्री राम हैं। इसलिए समस्त संत इस महोत्सव में सम्मिलित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी सनातनी अपने घरों में 22 जनवरी को भव्य दीपावली मनाएं, मंदिरों में कीर्तन सुंदरकांड आदि करें। उन्होंने कहा कि नरेश यादव सरल सहज होने के कारण जनप्रिय है, जनता की सेवा में प्रयासरत है, इसलिए हमारा इन्हें विशेष आशीर्वाद है कि इन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। इस अवसर पर भाजपा नेता नरेश यादव, निखिल यादव, पंडित विनोद मिश्रा, भाजपा नगराध्यक्ष विकास गुप्ता, युवा अध्यक्ष निखिल पांडे, योग शिक्षक निहाल सिंह, विभु शर्मा आदि उपस्थित रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। हरि लगता है केवल भारत ही नहीं दुनिया में रह रहे सभी सनातनियों का सौभाग्य है कि हम अपने आंखों से भगवान राम लला को स्थापित होते हुए देख पा रहे हैं। 500 वर्षों से ऊपर की घटना है तब से हमारा सनातन राम मंदिर आजादी आंदोलन को लेकर लड़ाई लड़ रहा था। आज 22 जनवरी 2024 को भगवान राम 12:00 पर अपने स्थान पर विराजमान होंगे। मुझे लगता है वह दिन संपूर्ण सनातनियों के लिए दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्र, इन सभी पर्वों से ऊपर उठ करके महापर्व, इसको उत्सव नहीं महोत्सव कहा जाता है। ये महोत्सव है, महोत्सव है। और जिस अयोध्या में भगवान राम स्थापित हो रहे हैं वो अयोध्या कोई साधारण भूमि नहीं है, साधारण भूमि नहीं है। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथ मूर्तयः, अयोध्या के जो वासी हैं, पशु पक्षी के लिए भी प्रमाण आया है कि अयोध्या के जो पशु पक्षी भी हैं वो भी जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है, जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है। इसलिए अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। बड़े बड़े साधु संत अलंकृत भाषा में कहते हैं कि अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। तो अयोध्या सप्तपुरियों में सबसे पहली पुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, इन सप्तपुरियों में जो अयोध्या है वो सबसे पहली पुरी है। और भगवान राम अयोध्या के लिए बताते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जानहि कौ कौ, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धाम दा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनि प्रभु वाणी धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या धन्य है जिसकी प्रशंसा भगवान राम स्वयं कर रहे हैं। उस अयोध्या का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संपूर्ण सनातनियों के लिए, आज इतने सन्यासी परंपराओं की, मैं तो सन्यास परंपरा का आचार्य हूँ और सन्यास परंपरा का आचार्य होने के नाते हमारे आराध्य भगवान शिव हैं, लेकिन शिव के जो आराध्य हैं वो राम हैं, शिव के जो आराध्य हैं वो भगवान राम हैं। इसलिए हर परंपराओं को मानने वाले साधु संत सज्जन और सनातनी के लिए आज गौरव और हर्ष का विषय है कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे आंखों के सामने भगवान राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं। जो लोग आमंत्रित हैं वो वहाँ सामने से देख पा रहे हैं, जो आमंत्रित नहीं है वो आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरी दृश्य को लाइव देख पाएंगे।
अमर है, आत्मा अजन्मा है, आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी और हम उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो इच्छा रही होगी आज वो इच्छा पूरी होने जा रही है। और उसके लिए हम सभी इस सदी के जो इस दशक के और इस सदी के जो लोग हैं वो भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान राम स्थापित होने जा रहे हैं। नरेश जी हमारे बहुत प्रिय हैं। नरेश जी लोकसभा के बहुत कर्मठ प्राणी हैं और निरंतर समाज में समाज सेवारत रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही सनातनियों के कारण, ऐसे सत्य सनातनियों के कारण ही देश की परंपरा बची है और बची रहेगी। मैं आज इनके इस कैंप कार्यालय में आया। साधुओं के लिए, संतों के लिए सहज होता है कहीं जाना, उनकी कोई किसी प्रकार की कोई बाह्य आडम्बरा नहीं होती है, कोई बाह्य आडम्बर नहीं होता है। और मैं एक बहुत बड़े परंपरा का आचार्य, एक संन्यास परंपरा का आचार्य, एक श्रेष्ठ अखाड़े का आचार्य होने के नाते भी मुझे लगता है जो साधु है वो सहज है। साधु सहज स्वभाव वस, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सुख दुख जो सही दुख पर छिद्र दुराबा, बंदनीय जग जस जही पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं साधुओं का चरित्र कपास रुई जैसी होती है। नरेश जी को खूब सारा आशीर्वाद है और आपका और इस क्षेत्र के जनता का जो प्रेम है नरेश जी के लिए वो इसलिए है क्योंकि सरल है, सहज है, सौम्य है, लोकप्रिय है और जनप्रिय है। सबके लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूँ कि इस कार्यालय में मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी लगी। मैं आते ही इनको बोला यहाँ की भूमि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कार्यालय, ऐसा लगता है किसी न किसी सामाजिक मंदिर का यह स्थान है और इस स्थान में आने के बाद हमें मौलिक शांति की अनुभूति का एहसास होता है। तो वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति सामाजिक और सहज होता है, धार्मिक।